दिशा और दूरी के अगले क्रम में, जैसे हम आपको बताया था कि 4 राइट बराबर 0, 4 लेफ्ट बराबर 0, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट 1 राइट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा समीकरण उत्तर दिशा में मुख किए हुए व्यक्ति को पूरब दिशा की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में पहले व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा कौन सी है, प्रारंभिक दिशा उत्तर, उत्तर दिशा में व्यक्ति का मुख, तो उत्तर दिशा में व्यक्ति, और हमें जाना किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में उत्तर दिशा से पूर्व दिशा में जाने के लिए व्यक्ति को कितने राइट घूमना पड़ेगा, तो 1 राइट। हमें बताया था कि क्लॉक वाइज जब घड़ी की सही दिशा में अपने हाथ के हिसाब से सही दिशा में और घड़ी की दिशा से राइट, जब 1 राइट घूमने के बाद हमें पूर्व दिशा प्राप्त होगी, और या फिर 3 लेफ्ट जाने से पूर्व दिशा मिलेगी। तो हम देखेंगे इन रिलेशनों में से कौन से रिलेशन से हमें 1 राइट प्राप्त होगा या 3 लेफ्ट प्राप्त होगा। तो जो रिलेशन हम आपको 6 बताए थे, उन 6 रिलेशन की सहायता से हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। और तो जैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को, तो जैसे 1 राइट 1 लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर लेंगे और राइट राइट ऐड कर लेंगे, तो लेफ्ट 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट, 4 लेफ्ट इक्वल टू 0, ए 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट सॉरी 1 राइट 3 2 राइट 3 राइट 4 राइट, तो 4 लेफ्ट बराबर 0 और 4 राइट बराबर 0, अतः उसकी दिशा कैसी होगी, उसकी दिशा पहले से उत्तर दिशा में होगी, तो 1 राइट नहीं मिला, हमें 1 राइट चाहिए, तो 3 लेफ्ट तो 3 और 4, 4 लेफ्ट बराबर 0 और 1 राइट 2 राइट 3 राइट और 4 राइट, तो ये 0, 1 लेफ्ट और 1 राइट बराबर 0, और इसमें भी 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, 4 लेफ्ट, 4 लेफ्ट बराबर 0 और 3 राइट और 1 राइट और 4 राइट, 4 राइट बराबर 0, 1 1 लेफ्ट और 1 राइट बराबर 0, तो बराबर 1 लेफ्ट मिलेगा, इसमें 1 राइट मिलेगा, इसमें 3 लेफ्ट 4 लेफ्ट बराबर 0 और 1 राइट 2 राइट 2 4 राइट, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे यहां तक, और 1 लेफ्ट 1 राइट बराबर 0 बराबर 1 राइट, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इनको ऐड करना है, लेफ्ट लेफ्ट ऐड करना है, राइट राइट ऐड करना है, तो जहां हमें 1 राइट प्राप्त हो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो प्रश्न दिए जाएंगे, तो सबसे पहले हमें उसकी मूल डायरेक्शन से, हमें जिस डायरेक्शन में व्यक्ति को जाना है उस डायरेक्शन से घुमाव के हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे कि जैसे कोई व्यक्ति का एक प्रश्न रिवाइज करेंगे, जैसे एक व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा उत्तर है तो तब वह निम्न घुमाव के बाद कौन सी दिशा में होगा, जैसे 4 राइट 3 लेफ्ट 2 राइट या राइट राइट 5 लेफ्ट 11 राइट 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट।
अब उसकी इतने घुमाव के बाद उसकी दिशा कौन सी होगी? तो राइट राइट ऐड कर लेंगे और फिर लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर लेंगे, तो 4 राइट 1 राइट, 5 और 1 6, 6 और 11 17, 17 राइट, लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर लेंगे तो 5 3 और 5 8, और 8 और 2 10, और 1 11 11 लेफ्ट, तो 17 राइट में 4 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 राइट आ जाएगा, 16 राइट अलग हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर शेष आएगा वो 1 राइट आएगा, और इसमें यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 लेफ्ट आ जाएगा। तो 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, रिलेशन बताए थे कि 4 राइट बराबर 0 और 4 लेफ्ट बराबर 0, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, और 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट, और 1 लेफ्ट बराबर 1 राइट बराबर कैंसिल हो जाएंगे और उसकी दिशा 0 आ जाएगी। तो 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट अर्थात राइट प्लस राइट बराबर 2 राइट, मतलब जो व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा है वो उत्तर है, तो उत्तर दिशा से 2 राइट घूमने के बाद उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। अतः व्यक्ति की दिशा अब दक्षिण होगी। इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। दिशा और दूरी डायरेक्शन डिस्टेंस में अगले क्रम में दिशा और दूरी के अगले बार हम जो दिशा और दूरी के प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 टाइप से पूछे जाएंगे। अभी तक जो प्रश्न पढ़ चुके थे दिशा का घुमाव अभी तक जो प्रश्न पढ़े थे वो दिशा का घुमाव। अब जो प्रश्न हमें पढ़ना है वो दिशा और दूरी से संबंधित। दिशा और दूरी से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो न्यूनतम दूरी या तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा या अधिकतम डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लघुतम दूरी के लिए जो पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में, ऐसे डायरेक्शन के साथ क्वेश्चन आएंगे। तो न्यूनतम दूरी और बीच की दूरी, मध्य दूरी, अतिव्यापन दूरी या मिनिमम डिस्टेंस, या तो इस टाइप से प्रश्न पूछेगा या अधिकतम दूरी पूछेगा। अधिकतम दूरी में मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन 10% में पूछे जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न अच्छे से अच्छे प्रश्न बनते हैं वो 90% अधिकतम न्यूनतम दूरी से बनेंगे, न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से प्रश्न बनेंगे। मैक्सिमम दूरी का प्रश्न क्वेश्चन आसान तरीके से, तो आइए देखते हैं कि दिशा और दूरी में न्यूनतम दूरी के प्रश्न किस तरीके पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। दिशा और दूरी में जैसे सबसे पहले हम समझाएंगे कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो हम ग्राफ पेपर पर या पेपर पर हम जो दिशाएं लेंगे वो हमने बताया था कि ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, दाएं साइड पूर्व और पश्चिम। तो यदि हम दाएं साइड घूमेंगे तो 1 राइट, तो हमने कहा यदि घड़ी की क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 राइट, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट। तो घड़ी हमें कुल रोटेट की स्थिति में हम केवल 2 दिशाओं का उपयोग करेंगे, तो दाएं और बाएं, हाथ दाएं हिसाब से, मतलब यदि हम दाएं घूमते हैं तो 1 राइट घूमेंगे और यदि लेफ्ट घूमेंगे तो 1 राइट एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे घड़ी की सहायता से हम पूरी डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो हम पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है वो घड़ी की दिशा से कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व में चलता है,
तो 4 किलोमीटर चलता है पूर्व में, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व दिशा में चलेगा तो जो जिस घड़ी, मान लीजिए कि ये घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई में ये 3 बजाएगी। अब घड़ी की सुई में यदि वो दाएं घूमेगा तो दाएं, जैसे क्लॉकवाइज की घड़ी घूमेगी वैसे ही हम इसकी चिन्ह लेंगे, दिशा लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 होगा और यहाँ 2 होगा। अब आगे क्लॉकवाइज में घड़ी नीचे की ओर, सुई नीचे की ओर आएगी, तो 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़कर, तो दाएं मतलब राइट। अब राइट एक सुई की घड़ी की सही दिशा में जो नीचे जाएगा, 3 बजे के बाद कितना बजेगा, 6। तो 6 बजे के मतलब 5 किलोमीटर चलेगा तो नीचे की ओर आ जाएगी घड़ी की सही डायरेक्शन में। फिर यदि मान लीजिए कि वो इस दिशा में हो गया तो 6। अब यदि क्लॉकवाइज कहेगा मतलब दाएं कहेगा तो आगे की साइड 7, और यदि लेफ्ट कहेगा कि बाएं मुड़ता है तो घड़ी की एंटी क्लॉक, क्योंकि 6 के बाद एंटी क्लॉक 5 आएगा। तो इस तरीके इनकी सहायता से फिर वह 3 किलोमीटर लेफ्ट चलता है, तो 6 से एंटी क्लॉक वाइज कौन सी घड़ी चलेगी, इस तरफ की चलेंगे। तो इस तरीके से इनका उपयोग करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, समझाएंगे कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, पूरब दिशा में चलता है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो हम ग्राफ पेपर पर या पेपर पर हम जो दिशाएं लेंगे वो हमने बताया था कि ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, दाएं साइड पूर्व और पश्चिम। तो यदि हम दाएं साइड घूमेंगे तो 1 राइट, तो हमने कहा यदि घड़ी की क्लॉक बाइक चलेंगे तो क्लॉक बाइक चलेंगे तो 1 राइट और एंटी क्लॉक बाइक चलेंगे तो लेफ्ट। तो घड़ी हमें कुल रोटेट की स्थिति में हम केवल 2 दिशाओं का उपयोग करेंगे, तो दाएं और बाएं, हाथ दाएं हिसाब से, मतलब यदि हम दाएं घूमते हैं तो वे 1 राइट घूमेंगे और यदि लेफ्ट घूमें तो 1 राइट एंटी क्लॉक बाइक। तो जैसे घड़ी की सहायता से हम पूरी डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो हम पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है वो घड़ी की दिशा से कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो 4 किलोमीटर चलता है पूर्व में, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व दिशा में चलेगा तो जो जिस घड़ी, मान लीजिए कि ये घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई में ये 3 बजाएगी। अब घड़ी की सुई में यदि वो दाएं घूमेगा तो दाएं, जैसे क्लॉकवाइज की घड़ी घूमेगी वैसे ही हम इसकी चिन्ह लेंगे, दिशा लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 होगा और यहाँ 2 होगा। अब आगे क्लॉकवाइज में घड़ी नीचे की ओर, सुई नीचे की ओर आएगी, तो 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़कर, तो दाएं मतलब राइट। अब राइट एक सुई की घड़ी की सही दिशा में जो नीचे जाएगा, 3 बजे के बाद कितना बजेगा, 6। तो 6 बजे के मतलब 5 किलोमीटर चलेगा तो नीचे की ओर आ जाएगी घड़ी की सही डायरेक्शन में। फिर यदि मान लीजिए कि वो इस दिशा में हो गया तो 6। अब यदि क्लॉकवाइज कहेगा मतलब दाएं कहेगा तो आगे की साइड 7, और यदि लेफ्ट कहेगा कि बाएं मुड़ता है तो घड़ी की एंटी क्लॉक, क्योंकि 6 के बाद एंटी क्लॉक 5 आएगा। तो इस तरीके इनकी सहायता से फिर वह 3 किलोमीटर लेफ्ट चलता है, तो 6 से एंटी क्लॉक वाइज कौन सी घड़ी चलेगी, इस तरफ की चलेंगे। तो इस तरीके डायरेक्शन टेस्ट के अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और फिर दाहिने घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, और बाएं घूमता है और फिर बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, और अंततः पुनः बाएं घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो व्यक्ति ऑफिस पहुंच जाता है।
तो व्यक्ति और ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले व्यक्ति अपने घर से, तो पहले मान लीजिए घर, तो होम से, घर से, घर से 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो घड़ी की सुई की सहायता से मान लीजिए कि 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर चलता है, तो ये सुई, घड़ी की सुई देख, सुई मानेंगे हम, तो ये कितने बजाएगी, 3 बजाएगी। अब अगर दाहिने घूमेगा तो क्लॉकवाइज घड़ी की सुई दाहिने घूमेगी, लेकिन नीचे की ओर घूमेगी, और यदि बाएं घूमेगी तो ऊपर की तरफ घूमेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए 2 यहां बजेगा और 4 यहां बजेगा, जब क्लॉकवाइज घूमेगी तो 4 बजाएगा। तो जब वो इसके बाद वो कौन सा राइट घूमता है, मतलब 3 के बाद कैसे राइट, तो मतलब जब 3 के राइट घूमेगा तो नीचे की तरफ 1 राइट घूमेगा, कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 किलोमीटर, तो राइट कितने, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर लगभग मान लीजिए दे 10 किलोमीटर, यहां इसको मिटा दीजिए, ठीक है। तो ये कितने बजाने लगी, 6। अब अगर लेफ्ट घूमेगा तो 6 के एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ हो जाएगा, मतलब 5 बजे आएगा, और 7 यहां, तो राइट होगा, दाएं होगा, तो इस तरफ। तो आप देखो, और फिर वह और फिर दाएं घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो दाएं घूमता है, तो दाएं घूमता है, तो 6 के बाद 7 बजाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो 20 किलोमीटर यहां चलेगा, तो ये 20 किलोमीटर हो जाएगा, और यहां ये 10 किलोमीटर है, ठीक। और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलने के बाद ये कितने बजेगा, जब घड़ी की सुई मान लीजिए ऐसे, तो इस तरफ दिशा है 9 बजेगा, और ऊपर की तरफ 10, और इस तरफ 8। अब अगर क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर, और एंटी क्लॉकवाइज होगा नीचे, तो और फिर वह बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो बाएं घूमता है, तो बाएं मतलब क्लॉक घड़ी की नीचे की दिशा में, तो कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर, ठीक। फिर अंततः वो कह रहा है, अंततः पुनः बाएं घूमता है, तो आप देखिए इसे मिटा दीजिए इससे, अब यहां अंततः यहां आ गए, तो ये 6 बजेगा। अब अगर वो कह रहा है बाएं घूमता है, तो बाएं घूमने 6 बजे की बाएं के लिए कौन सा होगा, 5 बजाएगा, इस तरफ जाएगा, तो सुई की दिशा फिर इस तरफ होगी, कितने किलोमीटर जाता है अंततः, 20 किलोमीटर चलता है, तो अंततः 20 किलोमीटर चलता है, और 20 किलोमीटर चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज बाएं घूमता है, तो घड़ी की सुई 6 ऐसे बजाएगी, यदि सुई घड़ी की सुई की दिशा 6 ऐसे बजाएगी, तो एंटी क्लॉक में कहां जाएगा, 5 की तरफ जाएगा, और क्लॉकवाइज क्योंकि दाएं घूमता होगा तो इस तरफ चलेंगे, तो इस तरफ जाएगी। तो यहां लास्ट पॉइंट पे यहां इसका ऑफिस आ गया, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा है इनसे कोई मतलब नहीं है, जो टाइम है, जो टाइम की सहायता है, इन सबको मिटा लीजिए, ठीक। अब प्रारंभिक बिंदु से हमें न्यूनतम दूरी, यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए, जब अधिकतम दूरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो अधिकतम दूरी में सभी दूरियों को ऐड कर लीजिए, 10, 20 और 10, 30, 30 और 20, 50, 50 10, 60, 60 20, 80, तो 80 किलोमीटर हो जाएगी अधिकतम दूरी। यदि प्रश्न में न्यूनतम दूरी ना कह करके या बीच की दूरी ना कह करके सीधे पूछे जाए अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए या कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। तो अधिकतम दूरी है यहाँ 80 किलोमीटर तय की गई, तो अधिकतम दूरी जब प्रश्न पूछेगा तो वो सीधे, तो इसमें चित्र बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, हम सीधे सीधे सभी दूरियों को ऐड करते करते जाते और उसका आंसर दे देते, जब अधिकतम दूरी पूछे तो उसमें डायग्राम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब न्यूनतम दूरी का प्रश्न पूछे तो उसमें डायग्राम बनाना अति आवश्यक है, बिना डायग्राम के हम डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो होम से ऑफिस के बीच में हम एक विकर्ण डाल लीजिए, मतलब ये दूरी निकालना है, तो यहां देखिए यहां राइट एंगल बन रहा है, ये इसे डॉट डॉट करके मिला दीजिए तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसे अलग रूप में बनाएंगे, तो ये देखो 10 ये है, ये 10 है, तो सामने वाली ये 10 हो जाएगी राइट एंगल से, तो 10 10 ये पूरी दूरी हो जाएगी 20, 20 ये हो जाएगी, ये घर है और ये इसका ऑफिस है, पूरी दूरी मानना है हमें, निकालना है, तो पूरी दूरी हमें निकालना है, तो 20 ये है और जी हमें यहां से यहां तक की ऑफिस तक की निकालना है, तो ऑफिस तक की निकालना है होम से, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज आना जरूरी है, क्योंकि 90 एंगल के हमेशा सामने वाली भुजा कर्ण होगी,
90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, या x मान लीजिए, तो x डिस्टेंस निकालना है ऑफिस तक की दूरी, तो x बराबर अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बिना पाइथागोरस प्रमेय के हम कोई भी निम्नतम डिस्टेंस का कोई भी सवाल नहीं लगा सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय आना अति आवश्यक है। तो x बराबर अंडर रूट 20 का 400 प्लस 20 का 400, तो बराबर x बराबर रूट 800, तो 800 का हो जाएगा 100 का, x बराबर 400 गुणा 2, 400 गुणा 2 कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 20 रूट टू किलोमीटर, तो 20 रूट टू किलोमीटर हो जाएगी। ऑफिस और घर की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 रूट टू किलोमीटर। और यदि वो यह पूछे कि उसकी दिशा ज्ञात कीजिए ऑफिस की, तो ऑफिस की दिशा जो हो जाएगी, ऑफिस की दिशा वो हो जाएगी पश्चिम पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा, या पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं। इस टाइप से डायरेक्शन टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो हम लगवाते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। जो भी समस्या है वो कमेंट में आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा डायरेक्शन टेस्ट। हम अगला प्रश्न कराते हैं। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। तो राहुल अपने स्थान से, मतलब राहुल का घर जे है, अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, तो 40 किलोमीटर पूर्व की ओर, 40 किलोमीटर और पूर्व दिशा की ओर, तो ये पूर्व दिशा की ओर जब हम पहुंचते हैं तो घड़ी की सुई 3 बजाती है, कितनी बजाती है 3। वही जो हम मेथड बताए थे उसी मेथड पर पूरा काम करना, घड़ी की सुई की, ये मान लीजिए पूरी घड़ी की सुई है। अब घड़ी की सुई में यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 4 बजेगा, अब इसके बाद वो सीधे कह रहा है उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर की ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर लगभग इसकी रेंज से आधी दूरी, तो लगभग 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो हमें इसकी टाइम की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ मतलब टाइम के बिना भी काम चल सकता है, यहाँ उत्तर की ओर पहुंच गया। उत्तर की ओर घड़ी, अब यहाँ पहुंचने के बाद फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो ये घड़ी जो है यदि हम इसे घड़ी की सुई मान लें तो ये 12 बजाएगी, कितने बजाएगी 12, और 12 बजेगी तो यहाँ 11 बजेगी और यहाँ 1 बजेगा, तो किस तरह मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, मतलब लेफ्ट, घड़ी की एंटी क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, क्योंकि बाएं मुड़ रहा है, राइट होता तो क्लॉक वाइज चलते, तो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो 12 बजे के हमें कितना जाना है 20 किलोमीटर जाना है एंटी क्लॉक वाइज बाएं मुड़ करके, लगभग 20 किलोमीटर ये है, इसे मिटा लीजिए, तो ये 20 किलोमीटर था, ये 20 किलोमीटर है। अब हमें बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है, तो प्रारंभिक स्थान इसका जे है, मान लीजिए घर है, ए है, और ऑफिस इसका बी है, बी पॉइंट है, हमें इसकी दूरी बताना है, तो दूरी बताने के लिए हमें वास्तव में ये बीच की दूरी, निम्नतम बीच की दूरी पूछना है। हमने बताया था कि बीच की दूरी या न्यूनतम दूरी एक ही बात है, और यहाँ यदि हम देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बनने के चलते बी सी ए है तो बी सी ए हो जाएगी, बी सी ए है तो बी सी ए हो जाएगी, और ये पूरी दूरी 40 है और ये 20 है तो ये 20 हो जाएगी, तो शेष दूरी 20 बचे, 20 जी हो जाएगी और 20 जी हो जाएगी। यदि हम इसका अलग से चित्र बनाएं तो ऐसी दूरी आएगी 20 20, और ये निकालना है, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 20 4 20 20 400 प्लस 400
एक्स स्क्वायर बराबर 800, तो एक्स बराबर अंडर रूट 800, तो एक्स बराबर 20√2, कितना 20√2 किलोमीटर, 20√2 किलोमीटर इतने दूर है। और किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से वह अपने घर से किस दिशा में है, तो हम मूल दिशाएं बताए थे पहले वाले हमारे वीडियो में, हम बताए थे कि पहले वाले वीडियो जहां व्यक्ति प्रारंभ में करता है वहां से हम उसकी दिशा ऑफिस के लेंगे या गंतव्य बिंदु तक लेंगे, तो किस दिशा में है, पूर्व और उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में है, दिशा में, यदि यदि प्रश्न दिशा का पूछा जाए तो दिशा भी बताएंगे, और जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है तो हमें केवल 20√2 ही ऑप्शन में दिया होगा, ठीक।